अषाढ़ी बीज आगामी 20 जून ना रोज है तेरे भगवान जगन्नाथ जी की 146मी रथयात्रा आ वक्त निकलवानी है। तेरे समग्र रथयात्रा में 30,000 किलो मग, 500 किलो केरी, 400 किलो काकड़ी दाड़म तथा 2,00,000 उपेणा प्रसाद आपशे। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलदेव जी हाल सरस्वत खाते मौसाड़ में है। 18 जून सवारे 8 वगे भगवान जगन्नाथ सुभाष जी और बलदेव जी की आंखें पाटो बांधवा विधि कराशे। सवारे 9:30 ना ध्वजारोहण विधि और सवारे 11 वगे संतों सम्मान करवामां आवशे। दाहोद छापरी खाते हाईवे पर पंचायत शाखा नायब चूंटनीस महिला अधिकारी वैशालीबेन जयसवाल और तिजोरी शाखा एकाउंटंट एक्टिवा लई ऑफिस जता हता त्यारे तेमना पर जोरदार पवन साथे वृक्ष पड़ता घायल थया हता। बन्ने घायलों ने 108 नी सारवार माटे खसेड़वामां आव्या छे। तमाम घटना सीसीटीवी में कैद थई। राजकोट एरपोर्ट पर आज की तमाम फ्लाइट राबेता मुजब शुरू थी। महत्व है कि वावजा ने पगले सौराष्ट्र की हवाई सेवाओं ने पण असर पहुंची थी, जेथी 8 जेटली फ्लाइटों ने रद्द करने निर्णय कराया। जो कि आज की तमाम फ्लाइटों शुरू थी। वावजोड़ लैंडफॉल थता पाटण जिला में वरसद की आगाही करवामां आवी हती, जेथी पाटण जिला में दिवस दरमियान वरसादी झापटा वरसी रहा था। शुक्रवार मोड़ी रात ज पाटण जिला में धीमी धारे वरसद शुरू थो, जबाद जिला में 9 तालुका में नोधपात्र वरसद पड़ो। तो पाटण शहर में नीचाणवाड़ा विस्तार में वरसादी पा गरकाव थे, जेथी जनजीवन ने व्यापक असर थी थी। राजकोट महानगरपालिका ने स्टेडिंग कमिटी की बैठक योजाई थी, जमा कोठारिया विस्तार में नवा रस्ता बनावा दरखास्त ने मंजूरी आप साईबाबा सर्कल की नेशनल हाईवे स्वाति सुधी नव रोड बनावा मंजूरी आप आ रोड बनावा मामले गत महीने स्थानिक लोग द्वारा भारे विरोध कर। राजकोट राजवी माधासिंह जाडेजा इजाग्रस्त थया छे। राजवी माधासिंह जामनगर में लाखोटा तड़ाव में आवेला प्राचीन कोठा की मुलाकाते आया था। तेमनी पर कोठा की इमलो पड़ी थी, जेना कारणे राजवीना माथा और खभाना भागे इजा थी। महत्वनुं छे कि वाजड़ाना लीधे प्राचीन कोठा की इमलो पड़ी थी। विपर्जय वाजरा ने भयंकर वरसाद वच्चे गुजरात पुलिस सुंदर कामगिरी जोवा मळी छे। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर भर वरसाद में खड़ेपगे पुलिस पोतानी फरज बजावी हती। गुजरात में प्रवेशता तमाम वाहनों गुजरात पुलिस सघन चेकिंग हाथ धर्यु छे। तो फॉरेस्ट विभाग में पण अंबाजी पुलिस सतत पेट्रोलिंग चालू हतु। वृक्ष धराशायी के भेखोड़ो धसी पड़ता होय तेने दूर करवा अंबाजी पुलिस सक्रिय थई हती। विपर्जय वाजरा की असर थी राज्य में ठेर ठेर वीजपोल धराशायी थया हता, त्यारे पीजीवीसीएल की टीम द्वारा वीज पुरवठा ने थयेला नुकसान की वर्तमान स्थिति ताग मेळवा विविध स्तर की मुलाकात करी हती। वीज तंत्रे रिस्टोरेशन की कामगिरी युद्धना धोरणे हाथ धरी, तो वीज अधिकारी पीजीवीसीएल स्टाफ ने पण वीज पुरवठा की स्थिति झड़पथी पूर्ववत करने सूचना आपी हती। विपर्जय वाजरा ने पगले अमदावाद विभाग की केटलीक ट्रेनों प्रभावित थी थी। पश्चिम रेलवे विभाग द्वारा विपर्जय वाजरा ने कारण केटलीक ट्रेनों रद्द करी थी। केटलीक ट्रेनों रूट टूंकावी देवामां आव्यो हतो, तो रेलवे विभाग द्वारा अगमचेतीना भागरूपे ट्रेनों रद्द करवानो अने टूंकावानो पण निर्णय करवामां आव्यो हतो। 17 जूने उपड़नारी भूज साबरमती ट्रेन रद्द करवामां आवी छे। अमदावादना ग्राम्य विस्तारों में पण विपर्जय वाजरा की असर जोवा मळी हती। भारे पवन फूंकाता साणंद तालुकाना कुवरगाम में मकाना पतरा फंगोड़ाया हता, केटलाक मकानी पाकी दीवाल पण धराशायी थई हती। गामना वाघेला परिवार ने छत हवामां फंगोड़ाई हती, तो मकान धराशायी थता परिवार पर आर्थिक संकट तूटी पड्यु हतु। तो गाम में अन्य 3 लोकोना मकानी छत पण धराशायी थई हती। सूरतना भेस्तान विस्तार में विपर्जय वाजरा की जोरदार असर जोवा मळी हती। भारे पवन ने लईने आवासना टेरेस पर उड़ेली टांकी एक शख्सना माथा उपर पड़ी हती, जेने कारणे एक शख्स इजाग्रस्त थयो हतो। घटनास्थळे एकट्ठा थयेला लोकोए इजाग्रस्त ने सारवार माटे होस्पिटल में खसेड्यो हतो। समग्र घटना सीसीटीवी केमेरा में कैद थई हती। भारे पवन कारणे पाणीनी टांकी नीचे पड़ी हती। राजकोट में तोफानी पवन साथ वरसाद वरसता 120 वृक्षों धराशायी थया। गत रोज पण भारे पवन फूंकाता 80 वृक्षों ने लोगों ने सलामत स्थले खसेड़वामां आव्या हता, तो अनेक स्थले मोटा होर्डिंग्स तूटी जवाना बनाव सामे आव्या हता। रैया रोड पर वृक्ष तूटी पड़ता रस्तो बंद करवामां आव्यो हतो, तो फायर ब्रिगेडे महामेहनते करी लोको माटे रस्तो खुल्लो कर्यो हतो।
अंबाजी दाता खाते बिपोर्जन वाजरा की असर जवा मिली। भारे वरसादी वरसाद वच्चे दातामां सतत त्रीजा दिवस से तेज पवन साथ वरसाद पड़ो। दातामां अनेक विस्तारों में वरसाद खाबकता नदी नाळाओ नवा नीरना वधामणा थया हता। अंबाजी बजारों सहित अनेक विस्तारों में पाणी भराई जवाने कारणे लोकोनुं जनजीवन प्रभावित थयुं हतुं। बिपोर्जे वाजरा की असर हाल उत्तर गुजरात में वधु जोवा मळी रही छे, त्यारे वाजरा ने पगले पाटण जिला में वरसादी माहौल छवायो छे। शुक्रवार की रात धीमी धारे वरसाद थयेलो हतो, जेमां आखी रात वरसाद चाल्यो हतो। जिल्लाना नौ तालुका में अंदाजे 5 इंच वरसाद नोंधायो छे, जेथी पाटण शहर में नीचाणवाळा विस्तारों में पाणी भराया छे। आ साथे ज जनजीवन ने पण व्यापक असर पड़ी छे। अरवली जिला में पण वाजरा की असर जोवा मळी छे। वहेली सवारथी ज अरवली जिला में वरसादी माहौल छवायो छे। मोडासा मेघरज धनसुरा सहित जिला में सतत वरसाद वरसी रह्यो छे। वावणी लायक वरसाद थवाथी खेडूतों में खुशी नो माहौल छवायो हतो। सतत वरसाद ने पगले वातावरण में ठंडक प्रसरी हती। बनासकांठाना दियोदर और लाखणी पंथक में बिपोर्जे वाजरा की असर जोवा मळी छे। गत रोजथी सतत समग्र पंथक में भारे पवन साथ वरसाद वरस्यो हतो। तोफानी पवन फूंकाता काचा पाका मकानोना नड़िया तेमज पतरा पण हवामां फंगोड़ाया हता, तो अनेक जग्याए वृक्ष पण धराशायी थया हता। अविरत वरसाद ने कारणे खेतरो में पण पाणी भराया हता। बिपोर्जे वावाझोडुं गुजरात में आफत बनीने आव्युं, जेना बाद तबाहीना दृश्यो सामे आव्या। वावाझोडानी सौथी वधु असर कच्छ जिल्लामां जोवा मळी, त्यारे वावाझोडानी आफतनी असरने पहोंची वळवा माटे जिला प्रशासन भारी जहमत उठावी रह्युं छे। कच्छ जिल्लामां ठेर ठेर वृक्षो धराशायी थया छे, जेने रस्ता परथी दूर करवानी कामगीरी हाथ धरवामां आवी छे। कच्छना भुज नलिया रोडना सुपरना मार्गने पूर्ववत करवानी कामगीरी चाली रही छे। बिपोर्जे वावाझोडुं कच्छना दरियाकांठे ताराजी सर्जी पसार थई गयुं छे। बे दिवसथी बंधक बनेला स्थानिकोमां पण हाशकारो जोवा मळ्यो हतो, जो कि वावाझोडाने कारणे कोई जानहानी थई न होवाथी तंत्रए पण राहत अनुभवी हती। महत्वनुं छे कि बिपोर्जे वावाझोडुं 18 कलाकमां 71 पशुओना मौत थया छे, जेने कारणे व्यापकपणे आर्थिक नुकसान थयुं छे। सरकारी तंत्रए तैयारी साथे ज लोकोना सहकारथी सौराष्ट्र कच्छमां थयेला नुकसानी भरपाई करवानी खातरी आपी छे। कच्छथी आगळ वधी राजस्थान तरफ जता बिपोर्जे वावाझोडानी बनासकांठामां असर वर्ताई छे। भारे पवनना कारणे थरात डीसा हाईवे पर ठेर ठेर वृक्षो धराशायी थया, जेने कारणे वाहन व्यवहार खोरवायो हतो। जो कि भारे तोफानी वावाझोडामां पण पोलीसे सराहनीय कामगीरी करी। थरात पोलीसे महामहेनते हाईवे पर नड़तरूप वृक्षो हटाव्या अने रोड खुल्लो कर्यो हतो। बनासकांठामां बिपोर्जे वावाझोडानी असर जोवा मळी हती। वावाझोडुं कच्छना दरियाकांठे अथड़ाई राजस्थान तरफ पसार थयुं छे, जेने कारणे राजस्थानना उपरवासमां भारे वरसाद त्राटक्यो हतो। राजस्थानमां भारे वरसादने पगले बनास नदीमां नवा नीर आव्या हता। राजस्थानना आबू रोड सुधी बनास नदीना नीर पहोंच्या हता। बनास नदीमां नवा नीर आवता ज खेडूतोमां खुशीनो माहोल छवायो छे। बनासकांठामां वावाझोडाए तबाही मचावी दीधी छे। तोफानी पवनने कारणे नड़ाबेट गौशाळाए शेड तूटी पड्यो हतो, तेमज पक्षीघर पण धराशायी थयुं हतुं। बनासकांठा जिल्लामां सतत भारे पवन साथे वरसादी वातावरण जोवा मळ्युं। मोटाभागना गामडाओमां ठेर ठेर वृक्षो अने मकानना पतरा पण हवामां फंगोळाया हता। સાબરકાંઠામાં ગતરાત્રિએ વરસેલા ભારે વરસાદને લઈને સરહદ પાણી પાણી થઈ ગયું છે। વરસાદને પગલે ગાંભોઈ ભિલોડા રોડ પરના રેલવે અંડરપાસમાં પાણી ભરાયા હતા। મહત્વનું છે કે એક જ વરસાદમાં પાણી ભરાઈ જવાને કારણે વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો હતો। સ્થાનિકો દ્વારા તંત્રને અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ પરિણામ શૂન્ય જોવા મળી રહ્યું છે, તેથી પાણીનો જલ્દી નિકાલ થાય તેવી સ્થાનિકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે। બનાસકાંઠાના ડીસામાં વાવાઝોડાને પગલે કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેની ડીસાના ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળીએ મુલાકાત લીધી હતી। ત્યારે વાવાઝોડાથી આવેલી નુકસાનીની આફતને પહોંચી વળવા માટે તેમણે અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી। લોકોને ઇમરજન્સી સેવા મળી રહે અને કોઈ જાતની મુશ્કેલી ના પડે તેને લઈને તંત્રને સૂચના પણ આપવામાં આવી હતી। બિપોર્જે વાવાઝોડાને પગલે બનાસકાંઠાના ડીસા તાલુકામાં અનેક જગ્યાએ ભારે નુકસાન થયું છે। વાવાઝોડાને પગલે ડીસાના વરનોડા જુનાડીસા બાઈવાડા કંસારી સહિત અનેક ગામડાઓમાં નુકસાન થયું છે। ભારે પવનને કારણે લોકોના ઘર અને તબેલાના પતરા પણ ઉડી ગયા હતા। ઘરના પતરા અને નેવા ઉડતા ખેડૂતો અને પશુપાલકોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે।
बनासकांठा में रातभर धोधमार वरसाद खाबक्यो हतो। बनासकांठा में 24 कलाक में सौथी वधु वडगाम में 4.5 इंच वरसाद खाबक्यो हतो, तो धानेरा अने दियोदर में 4 इंच वरसाद थयो। बाबर में 3.5 इंच वरसाद नोंधायो। डीसा अने सुईगाम में 3 इंच वरसाद थयो। पालनपुर अने अमीरगढ़ में 2.5 इंच, दाता वाव अने थराद में 2-2 इंच वरसाद नोंधायो। बनासकांठा जिला में सार्वत्रिक वरसाद जलबंबाकार जेवी स्थिति सर्जाई छे। विपर्जय वावाझोड़ाए बनासकांठा में विनाश फेरियो छे। छेल्ला 12 कलाकथी सतत भारे पवन साथे तोफान थता लोकोना जीव अधर चोंट्या हता। तोफानी पवन फूंकाता बनासकांठा में वृक्षों पण धराशायी थया हता। रात्रि दरमियान भाबर पुलिसे वृक्षों हटावानी कामगीरी शुरू करी, तो हजु पण वहेली सवारथी अति भारे पवन साथे वरसाद शुरू थयो हतो। बनासकांठाना थराद रोड पर वावाझोड़ाने पगले कोल्ड स्टोरेजना पतरा उड़ा था। जय वड़वाड़ कोल्ड स्टोरेजना पतरा उड़ता अफरातफरी मची जवा पामी हती। स्टोरेजना पतरा उड़ीने 100 फूट दूर फंगोड़ाया था, जेने पगले स्टोरेज मालिक ने अंदाजित 6 लाख नुकसान थयुं छे। पंचमहाल शहरा नगर सहित ग्राम्य विस्तारों में हजू पण भारे पवन साथे वरसाद शुरू थयो हतो। गत रोजथी सतत वरसाद वरसता वातावरण में ठंडक प्रसरी हती, तो बिपोर्जय वावाझोडुं गुजरातना दरिये टकराया बाद कच्छ जिल्लामां अति भारे वरसाद पड्यो हतो। त्यारबाद वावाझोडानी असर तमाम शहेरोमां भारे पवन साथे सतत वरसाद पड्यो हतो। शहेरमां पण सतत वरसादी माहोल यथावत रह्यो हतो। बिपोर्जय वावाझोडानी असर हजी पण अनेक जिल्लाओमां जोवा मळी रही छे। त्यारे वावाझोडा बाद बनासकांठाना डीसा थराद हाईवे पर अनेक वृक्षो धराशायी थया हता। रोड पर मोटा भागना वृक्षो धराशायी थता मार्गने वन वे करवामां आव्यो हतो। महत्वनुं छे के डीसा थराद रोड पर अंदाजित 100 जेटला वृक्षो उखड़ी गया छे, जो के रोड वन वे थता लोकोने भारे हालाकीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। મહીસાગરમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો। ગતરાત્રે જિલ્લાના લુણાવાડા, કોથંબા, વીરપુર, ખાનપુર, બાકુર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો। વાવાઝોડાને પગલે જિલ્લામાં 27 જેટલા વીજપોલ ધરાશાયી થયા હતા। લુણાવાડા, કોટવા, વીરપુર, બાકુર સહિતના વિસ્તારોમાં વીજપોલ ધરાશાયી થયા હતા। ત્યારે વાવાઝોડાથી થયેલા નુકસાનની માટે મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। વલસાડના ઉમરગામ ખાતે આવેલા સજાણ ગામે નવનિર્મિત બ્રિજમાં ભ્રષ્ટાચારનો ગાબડો પડ્યો। સજાણા ગામે રેલવે ફાટકને બંધ કરવા માટે રેલવે અને ડીએફસીસીએલ દ્વારા 50 કરોડના ખર્ચે બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે, તો બ્રિજના લોકાર્પણ પહેલા જ વાહનોની અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ હતી। બ્રિજમાં ગાબડો પડતા સ્લેબના ટુકડા લોકો પર પડતા મામલો સામે આવ્યો, જો કે હવે આ નવનિર્મિત પુલમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારનો દોષિત કોણ છે તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। બિપોર્જય વાવાઝોડાની અસર ગિરનાર પર જોવા મળી હતી। 15-16 તારીખની વચ્ચે ગિરનાર પર 120 ને લઈને 150ની ઝડપે પવન ફૂંકાયો હતો, જેના કારણે ગિરનાર પર્વતની સીડીને નુકસાન થયું હતું। આ સાથે જ ગિરનાર પર્વત પર આવેલી કાચી દુકાનોને પણ મોટું નુકસાન થયું છે। નુકસાનીના પગલે ગિરનાર સીડીઓ પર જવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે। ગિરનારમાં વીજ પુરવઠો સહિત તમામ વ્યવસ્થાઓ ખોરવાઈ હતી। જૂનાગઢમાં રસ્તા પર નડતરરૂપ 8 જેટલા ધાર્મિક દબાણ દૂર કરવા મનપાએ નોટિસ આપતા મામલો બિચક્યો હતો। મજેવડી દરવાજા નજીક આવેલા દરગાહને મનપા દ્વારા નોટિસ પાઠવાઈ હતી। આ મુદ્દે લોકોના ટોળા એકઠા થયા હતા, જેમાં બે બનેલા ટોળા 4 વાહનોને આગ ચાપી દીધી હતી। ટોળાને કાબૂમાં લેવા પોલીસને મજેવડી દરવાજા નજીક 5 ટીયર ગેસના સેલ પણ છોડ્યા હતા। મહીસાગર જિલ્લામાં વધુ એક યુવક ઓનલાઈન છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યો છે। મહીસાગરના લુણાવાડા નાના વડદલા ગામે યુવકે વોટ્સએપમાં લિંક ઓપન કરતા જ મહિલાની માયાજાળમાં ફસાયો હતો। ઓનલાઈન ચેટ કરી વીડિયો કોલ બાદ યુવતીના મોતના ફરિયાદના આધારે યુવકને ધમકી આપીને લાખો રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સાબરકાંઠાના ઈડરમાં એક સાથે 11 દુકાનોના તાળા તૂટ્યા છે। તસ્કરોએ વાવાઝોડા અને વરસાદી માહોલનો લાભ લઈ 11 દુકાનોના તાળા તોડ્યા છે। ઈડરના બાલાજી કોમ્પ્લેક્સમાં પાછળના ભાગે આવેલી 11 દુકાનોના તાળા તોડવામાં આવ્યા હતા। આ દુકાનો ઓનલાઈન માલ સામાન અને કુરિયરને લગતી દુકાનો હતી, જેમાં ઓનલાઈન કુરિયરની દુકાનમાંથી 1 લાખની રોકડથી વધુની રકમની ચોરી કરાઈ છે। વલસાડ જિલ્લામાં ઉમરગામ સજાણ માર્ગ ઉપર આવેલા શોરૂમમાંથી તસ્કરોએ કારની ચોરી કરી હતી। સીસીટીવી ફૂટેજમાં બે શખ્સો દુકાનના શટરનું તાળું તોડી નવી કાર લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા। પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી। શોરૂમના ડ્રોવરમાં મૂકેલી ચાવીઓ તસ્કરોના હાથમાં આવી જતા કાર લઈને ફરાર થયા તસ્કરો માટે આસાન બની ગયું હતું। સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી। અરવલ્લી ભિલોડાના જનાલી ટાંડા ગામે વીજ કરંટ લાગતા આંધળ પુરુષનું મોત નિપજ્યું હતું। મકાનનો દરવાજો ખોલવા જતા દરવાજા ઉપર પસાર થતી વીજ લાઇનને કારણે આંધળને કરંટ લાગતા પછડાયો હતો। જો કે વરસાદી ભેજને કારણે આંધળને કરંટ લાગ્યો હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે, તો ભિલોડા કોટેજ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન આંધળનું મોત નિપજ્યું હતું।
अमरेली सावरकुंडला हाईवे पर गुजकोट गोडाउन पास सीमेंट भरेला ट्रक पलटी गयो। ट्रक नीचे फसायेला ड्राइवर नु रेस्क्यू कर बहार का फायर विभाग की टीम घटनास्थले पहुंची कामगिरी हाथ धरी थी। ट्रक चालक पगना भाग में इजा पहुंचता सारवार सीविल होस्पिटल खसेड़। प्राथमिक तपास में ड्राइवर शमशाद अहमद यूपी रहवासी होवानु बहार आव्यु। सूरत कतारगाम विस्तार में चप्पूना आणीए पांच शख्सोए एक मित्र पर जीवलेण हुमलो कर्यो। मोबाइल लूटनी घटना में क्राइम ब्रांचे गुनानो भेद उकेली एक सगीर सहित चार आरोपी की धरपकड़ करी छे। फरार अन्य एक आरोपी पत्नी नो इजाग्रस्त युवक साथ प्रेम संबंध हतो, जेने एक वर्ष अगाउ पत्नीए गड़े फांसो खाई आपघात कर लेता लूट और हुमलो थयो होवानु पण कावतरु कर्यु होवानु तपास में जाणवा मळ्यु हतु। सूरत गाड़ोदरा देवड गाम में एक खेतर में अजाणे युवक की हत्या करेली हालत में मृतदेह मिली आव्यो हतो। सूरत क्राइम ब्रांचे हत्या गुना भेद उकेली बे आरोपी की धरपकड़ करी। मृतक युवक और आरोपी एक ज रूम में रहता था, जेथी आरोपी और मृतक पैसा की लेती देती अंगे माथाकूट चालती थी। अदावत राखी हत्या करी होवाना क्राइम ब्रांचे तपास में खुलासो थयो छे। दमणमां गतमोड़ी रात्रे भीमपोर खाते आवेला भंगारना गोडाउन में आग लागी हती। भंगारना गोडाउन में आवेला प्लास्टिक और केमिकल वेस्टना कारणे आग प्रसरी हती। बे फायर फाइटर की टीम घटनास्थले पहुंची महामेहनते आग पर काबू मेळव्यो। सदनसीबे आग लागवानी घटना में कोईपण प्रकारनी जानहानि थई नथी। आग ने पगले दमण पुलिस द्वारा रस्ता पर बंद करवामां आव्या। गुजरात धमरोड़िया बाद बिपोर्जय वावाझोड़े उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है और हवे तेनी असर दक्षिण पश्चिम राजस्थान क्षेत्रों पर जोवा मळी रही है। हवामान विभाग ने डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्राए आवश्यक माहिती आपता जणाव्यु हतु कि बिपोर्जय वावाझोड़ मध्यरात्रि कमजोर थईने डिप्रेशन में परिवर्तित थयु छे। हाल में लो प्रेशर दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उत्तर गुजरात क्षेत्रों में स्थित है। तेनी गति 50-60 किमी प्रति कलाकनी छे। बिपोर्जय वावाझोड़ गुजरात राजस्थान तरफ आग व्यू है तरह उदयपुर में तेनी असर जोवा मळी छे। उदयपुर घणा विस्तारों में भारे पवन फूंकायो हतो अने गाजवीज साथ वरसाद पड्यो हतो। उदयपुर में भारे पवन कारणे बिल्डिंग बीजा माड़े लगावामां आवेलो कांच नीचे पड़ी गयो हतो। आ साथे ज पवन जोर कारणे केटली कारने पण नुकसान थयु हतु। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 6 महीना सुधी राज्य में हड़ताल पर प्रतिबंध मुक्यो छे। डीजीपी अशोक कुमारे जणाव्यु छे कि चारधाम यात्रा में उमटी पड़ेला भक्तोनी भीड़ ने मंदिरों की क्षमता करता वधारे छे, तेथी यात्राओं ने तेमनी यात्रा मुलतवी राखवानी अपील करी हती। आसाम में वरसद कारण पूर की स्थिति वु भयावह बनी है। प्रदेश में 11 जिला में मूसलाधार वरसद ने कारण 34,000 की वु लोग प्रभावित थया है। आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग द्वारा जारी करती प्रमाण ब्रह्मपुत्र सहित मोटा भागनी नदियों जलस्तर में वारो नोधायो है। जो कि राहत की बात है कि भयजनक सपाटी नीचे वही रही है। 21 जून रोज समग्र देश में आंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उजवणी करवामां आवशे त्यारे आ विषे बात करता केन्द्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखीए जणाव्युं छे कि कमर ने हिंदू जैन सहित अन्य धर्मों में पण पवित्र मानवामां आवे छे। कमर संदेशो आपे छे कि स्थिति गमे तेवी होय पण व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहेवानी जरूर होय छे। योग शांति और समृद्धि संदेश आपे छे। उद्धव ठाकरे समूह की शिवसेना नेता संजय राउते दिल्ली में आवेला नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसायटी नाम बदलवा मुद्दे बातचीत करता जणाव्यु हतु कि हूँ आ बात सहमत छू कि म्यूजियम में देश तमाम वडाप्रधाने स्थान मळवु जोईए, परंतु म्यूजियम बदलवानी जरूर नहीं। म्यूजियम में एवा विभाग की जरूर थी कि ज्यां तमाम वडाप्रधान द्वारा करवामां आवेला कार्यों ने दर्शावामां आवे। अमेरिकाना मेरीलैंड में वडाप्रधान मोदी प्रशंसक रघवेन्द्र कार में एन मोदी नामनी नंबर प्लेट धरावे छे। आ विषय बात करता रघवेन्द्रे जणाव्यु हतु कि पीएम मोदी तेना पर प्रेरणा स्रोत समान छे अने अमेरिका में वडाप्रधान मोदी स्वागत करवा माटे ते उत्सुक छे। आ नंबर प्लेट मे वर्ष 2016 में लीधी हती। रघवेन्द्रे जणाव्यु छे कि वडाप्रधान मोदी थी तेमने राष्ट्र अने विश्व माटे कंईक करवानो प्रोत्साहन मळे छे। वडाप्रधान मोदी 20 जून थी 4 दिवस माटे अमेरिकाना प्रवासे जवाना छे। वडाप्रधान मोदी अमेरिका प्रवास रहेला वॉशिंग्टन डीसी में आवेला व्हाइट हाउस में अमेरिका ध्वज साथ भारतीय तिरंगो फरकावामां आव्यो छे। आ विषय बातचीत करता वॉशिंग्टन हाजर भारतीय लोगों जणाव्यु हतुं कि व्हाइट हाउस में भारतीय तिरंगा ने फरकावामां आव्यो छे अने आ अमारा माटे सन्माननी वात छे। व्हाइट हाउस में भारतीय तिरंगा ने जोवा माटे मोटी संख्या में भारतीय लोग पण उमटी पड्या हता। दिल्ली में आवेला नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसायटी नाम बदलीने प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी करी देवाता भाजप और कांग्रेस नेताओं वच्चे आ मुद्दे निवेदनबाजी शुरू थई हती। आ विषय बात करता कांग्रेस नेता गौरव वल्लभे जणाव्युं छे कि भाजपना लोकोने एवुं छे कि नेहरूनुं नाम बोर्ड परथी हटावी लेवाथी तेमनुं व्यक्तित्व ओछुं थई जशे, परंतु तेवुं नथी।
मणिपुर में हिंसा थमवानुं नाम नथी लई रह्युं त्यारे 16मी जूनना सांजे फरीवार हिंसानो बनाव बन्यो हतो। जो कि आ वखते तो हिंसक टोळाए हदजे वटावी दीधी। हिंसक टोळा द्वारा पोलीस स्टेशनने लूटवानो पण प्रयास करवामां आव्यो। आ दरमियान एक पण हथियारनी लूट थई न हती। महत्वनुं छे के मणिपुर हाईकोर्टे भाजप सरकारने लांबा समयथी चाली रहेली मेथीओनी मांगणी पर विचारवा करवा कह्युं हतुं। तमिलनाडुमां भाजपना सचिव एसजे सूर्यानी पोलीसे धरपकड़ करी छे, जेना पर भाजप पार्टीना वडा के अन्नामलाईए सत्तापक्ष डीएमके पर निशान साध्युं। तेमणे ट्वीट कर्युं छे के सूर्यानी धरपकड़े अत्यंत निंदनीय छे। अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रता पर तरापा मारवा सरकारी मिशनरीनो दुरुपयोग करवो ए लोकतांत्रिक रीते चूंटायेला नेताना साचा अलौकिक आकृति निरकुश नेतामां फेरवाई जवानी निशानी छे। रशियाना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिने पुष्टि करता जणाव्युं हतुं के रशियाए परमाणु हथियारोनी पहली खेप बेलारूस मोकली दीधी छे। सेंट पीटरबर्ग इकोनॉमिक फोरममां संबोधन दरमियान पुतिने जणाव्युं हतुं के बाकीना परमाणु हथियार आ वर्षे उनाळाना अंत सुधीमां बेलारूस खाते मोकलवामां आवशे। युक्रेन साथे सरहद धरावता बेलारूसमां रशियाए परमाणु हथियार स्टोर करवानुं कर्युं छे। दिल्ली में आवेला नेहरू मेमोरियल नाम बदलीने पीआर म्यूजियम करी देवाता विरोध शुरू थयो छे। कांग्रेस सांसद शशि थरूरे जणाव्यु छे के नेहरू मेमोरियल ए मूळ जग्या छे ज्यां तेओ रहता हता अने छेल्ला 50 वर्षथी नाम हतुं, परंतु भाजप द्वारा अचानक तेनुं नाम बदली नाखवामां आव्युं। दिल्ली में तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित भारत में प्रथम वडाप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्तावार निवास स्थानी अंदर आवेला नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी नाम बदलीने हवे वडाप्रधान म्यूजियम और सोसायटी राखवामां आवी छे। गुरुवारे सोसायटी की एक विशेष बैठक में आ निर्णय लेवामां आव्यो हतो, जेनी अध्यक्षता में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करी हती। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी नाम देश ना पहला वडाप्रधान जवाहरलाल नेहरू निवास स्थान छे। पश्चिम बंगाल में हाल पंचायत चूंटी पड़घम वगी चुक्या है, त्यारे बधा पक्षों एडी चोटी जोर लगावी रहा है। आ साथ केटलाक स्थलों हिंसा थती जोवा मळी रही छे। आ समय पोलीस चेकिंग दरमियान दक्षिण 24 परगणा में बॉम्ब बनावानी सामग्री जप्त करी हती। हाल वधु तपास चाली रही छे। आ बॉम्ब बनावानी सामग्री कोनी हती अने कोणे मूकी तेनी तपास चाली रही छे। तेनो उपयोग राजकीय अस्थिरता लावा माटेनो हतो के कोई बीजो हेतु, तेनी पण तपास थशे। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई थनारी पंचायत चूंटी पहला हिंसा की घटनाओं बनी रही है, त्यारे पश्चिम बंगाल राज्यपाल सीवी आनंद बोजे दक्षिण 24 परगणा जिला हिंसा असरग्रस्त भांगड़ की मुलाकात करी हती। राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त विस्तार की मुलाकात अर्धो कलाक पहला ज पुलिस 200 बॉम्ब भरेली 7 बेग मिली थी। जो कि जारे राज्यपाल घटनास्थल की मुलाकात करी ते समय जिला के राज्य कोईपण वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हाजर न था। राज्यपाल बोज 100 भांगर ब्लॉक बैना खंड विकास कार्यालय पहुंचा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चूंटी राजकारण चरम सीमा पर है, त्यारे उम्मीदवारी पत्र भरवानी छेल्ली तारीख सुधी में पश्चिम बंगाल चूंटी में कुल 2,31,000 उम्मीदवारी पत्रों भराया है, जेमांथी 82,000 उम्मीदवारी पत्रों सत्तारूढ़ टीएमसी नेताओं भरया है। अन्य पक्षों 1-1.5 लाख उम्मीदवारी पत्रों भरया। आ समय पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी आरोप मूक्यो कि भाजपा में मोटा भागे चोर और गुंडाओं उम्मीदवारी पत्रों भरया छे। मणिपुर में हिंसा थमवानुं नाम नथी लई रह्युं त्यारे मणिपुर में हिंसा करी रहेला केटलाक लोकोए केन्द्रीय मंत्री रंजन सिंहना घर ने आग लगावी दीधी हती। जो कि आ समय मंत्री रंजन सिंह घर में हाजर न हता। महत्वनुं छे के इम्फाल में कर्फ्यू होवा छतां भीड़ मंत्रीना घरे पहोंची गई हती। मंत्रीना निवास स्थान पर तैनात सुरक्षाकर्मीओ भीड़ करता वधारे हता, छतां पण तेओ हिंसा रोकवामां निष्फळ रह्या हता। छेल्ला घणा समयथी मणिपुर में हिंसा जोवा मळी रही छे, त्यारे महत्वनुं छे के एक महीना पहेला पण मंत्रीना घरे हिंसा थई।